राजा नाहर सिंह की जयंती के मौके पर बल्लभगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा और दीपक मंगला के साथ कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता करण दलाल समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सभी ने शहीद राजा नाहर सिंह पार्क में समाधि स्थल पर फूल अर्पित किए, उन्हें याद किया। और इतना ही नहीं, शहीद राजा नाहर सिंह की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन भी किया गया। 17.5 फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी यहां पर, देखिए। इसी बात है, जो शहीद सबके साझे के होते हैं, वीर सबके साझे के होते हैं, ये अलग बात है कि कांग्रेस ने शहीदों को ठीक से याद नहीं किया था। जैसे उन्होंने कांग्रेस ने आजादी का सारा जो है वो श्रेय जो है खुद लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये अमृत काल में देश के सभी शहीदों को याद किया जा रहा है। अक्रॉस द पार्टी लाइन नहीं, हम सभी लोग देश भारत माता के लिए ही जिंदा है और उन्हीं के लिए ही हम सेवारत रहते हैं, सभी लोग, चाहे वो किसी भी चुनाव चिन्ह से भी आता हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वीर और वीरांगनाएं होती हैं, ये देश की धरोहर है। उस माँ को बड़ा गर्व होता है जिसकी कोख से वो जन्म लेता है, उस समाज को भी गर्व होता है जिसमें से वो निकल करके आता है, लेकिन जब वो इस स्थान को प्राप्त करता है तो पूरा देश उस पे गर्व करता है। तो आज हम एक ऐसे स्थान पे एकत्रित हुए हैं जहाँ पर देश के लिए गर्व की बात है, और जब देश जिंदा रहेगा तो हम सभी जिंदा। ये राजा नाहर सिंह किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं थे, राजा नाहर सिंह हमारे इलाके के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, और 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसके अंदर बहुत योगदान रहा। और शहीद हमारे किसी भी पार्टी के नहीं होते, सबके होते हैं, इन्हीं की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। राजा नाहर सिंह जी के चरणों में नमन भी करते हैं और प्रभु से कामना भी करते हैं, वो जहाँ भी हों अच्छी जगह, और उनकी आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। बहुत बहुत ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे पूर्वज, हमारे राजा जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने देश की खातिर अपनी रियासत और धन दौलत को देश के ऊपर कुर्बान किया, आज उनकी प्रतिमा लगाने का यहाँ काम हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि सभी दलों के लोग, सभी जातियों के लोग, गांव और शहर के लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हम लोगों की सोच ये है कि जो बहुत से वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, पर हमारे हरियाणा के लिए राजा नाहर सिंह की जो कुर्बानी है विशेष मायने रखती है, और हम उनकी कुर्बानी को एक जाति विशेष से, एक वर्ग विशेष से नहीं जोड़ सकते। सब जातियों के वो राजा थे, हमारे फरीदाबाद के लिए गौरव थे, पूरे हरियाणा के गौरव थे। तो उनकी जो प्रतिमा का शिलान्यास हो रहा है वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के, जातियों से ऊपर उठ के, और हमारे आने वाले जितने भी पीढ़ियाँ रहेंगी सब उनको याद करेंगी, और उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज हम खुली ये हवा में सांस ले रहे हैं।